ये जो निमिटिक फिट किया हुआ है इसमें ये वॉशर जो है एकदम हिल रहा है, फिट नहीं हुआ है। ये देखिए ये दो वॉशर दिया हुआ है इसमें और इधर एक है, ये भी हिल रहा है एकदम, और इधर का एकदम फिट है मजबूती से। और ये जो सूट है इसमें लग जा रहा है, इसमें इधर गैप नहीं है, सूट इसमें 340 का लगा हुआ है ये। और जो टेक्नीशियन आया था मशीन को चलाने के लिए वो बोल रहा था ये वाला डाई लगेगा, बड़ा वाला डाई लगेगा बोल रहा था। क्या साइज है लिख के रखा हूँ, देख के बताता हूँ। हाँ, जो टेक्नीशियन आया था वो बता रहा था, वो जो गियर है ना, ये जो गियर, ये गियर चेंज करना पड़ेगा बोल रहा था। वो 3/8 का 36 दाता वाला बोल रहा था, ये वाला गियर चेंज करना पड़ेगा बोल रहा था। और ये डाई रोलर शाफ्ट लगेगा बोल रहा था 18-10 साइज का, शायद इसको बोलते हैं डाई रोलर, ये सब 18-10 का लगेगा बोल रहा था। और ये डिस्क को पीछे खिसकाना पड़ेगा बोल रहा था, पीछे खिसकाने से चलेगा सही तरीके से बोल रहा था डिस्क को। और इसमें डबल छेद किया गया है, होल जो है इसमें बेरिंग लगा हुआ है एक में, और ये वाला खाली है, इसमें कुछ लगा नहीं है। और ये मशीन में वाइब्रेटर वाला ये सेट है उसका, ये जो हपर और ये वाइब्रेटर है, और इसका टीसी सेंसर नहीं है बोल रहा था, वो टीसी सेंसर लगाने से ये काम करेगा बोल रहा था। और 3/8 का चेन एक लगेगा बोल रहा था, और चेन 3/8 का, और इसमें कैमरा नहीं है, वो जो आई मार्क वाला आई मार्क सेंसर कैमरा है नहीं इसमें, कन्वेयर दिया हुआ है, पुराना वाला कन्वेयर है ये। और मशीन के साथ ये सामान है जो फिट किए थे तो सही नहीं चला तो निकाल दिए उसको। और ये जो वाइब्रेटर वाला हपर का सामान है, ये भी एक हपर है, ये हपर है, तो ये वाला पहले भेज दिया, तो मैं बोला गया अपना तो वाइब्रेटर वाले का बात हुआ था, आप कैसे ये वाला हपर दे दिए, तो वो वाला हपर बाद में भेजा और टेक्नीशियन भेजा था, लेकिन चालू किए तो मशीन चालू नहीं हुआ सही तरीके से। इसमें 340 तक का चलाना था मेरे को, तो ये रेफर 340 का है, वो बोला नहीं किया, ये मशीन 340 के हिसाब से नहीं बना हुआ है, छोटा रेफर चलाओ तो चलेगा 300 तक का, और बड़ा करने के लिए ये जो डाई हुई और ये सॉरी इसको क्या बोलते हैं, ये जो डिस्क पीछे खिसकाना पड़ेगा बड़ा रेफर चलाने के लिए, और वो ये और जो मैं पहले बोला था वो सब सामान चेंज करना पड़ेगा बोला था। वो आई मार्क वाला कैमरा लगाए थे मशीन चालू करते समय, जो जिस समय टेक्नीशियन आया था, लेकिन वो आई मार्क के हिसाब से नहीं चला, इतने में सील हो गया है, तो अपना जो है इतने में सील होना चाहिए, इतना बड़ा है, इधर से इधर है आई मार्क, लेकिन ये आई मार्क के हिसाब से देखे तो इधर ये ठोक गया, ये सील हुआ है, यहाँ इतने में सील हो गया है, आसपास इसका दुगना सील होना चाहिए, मतलब वो आई मार्क का काम नहीं कर रहा था, आई मार्क वाला सेंसर कैमरा जो है वो काम नहीं कर रहा था। कुल मिला के बोले तो मशीन का सेटिंग ही सही तरीके से नहीं हुआ है, पूरा सेटिंग करना पड़ेगा सही तरीके से मेरे हिसाब से, जो उसका टेक्नीशियन बोल रहा था। लेकिन अब जब शायद मैं आपको बता दिया हूँ तो आपको नॉलेज आ गया होगा क्या क्या लगेगा, क्या करना पड़ेगा, जब कृपया बता दीजिए। और देखिए जमेगा तो आने का कष्ट करिए या किसी को भेज दीजिए, बनाना तो है मशीन को, क्या खर्चा आएगा उसमें और आपके हिसाब से क्या सामान लगेगा नहीं लगेगा, या उसका टेक्नीशियन जो बताया था वही सामान लगेगा, तो उसका क्या क्या रेट है, कितना खर्चा आएगा,
आपका जो बंदे आएंगे उनका आने जाने का टिकट, खाना पीना और लॉज में रुकने का हर प्रकार का व्यवस्था करा दूंगा, कोई भी तकलीफ नहीं होगा उनको। और अलग से क्या चार्ज लगेगा, सामान का क्या है, मशीन का क्या है एक बार बता दीजिए, फिर बात करेंगे भैया। ठीक है, थैंक यू।